हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट्थ के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। हमें बोला है अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को एड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 51 मिलता है। हमें इंटीजर्स जो है वो फाइंड आउट करने, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ वाले इंटीजर, मींस कि जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहे। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4, 5 और 6, ये तीनों जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स कि 3 लगातार नंबर। या फिर मैं लिखूं 20, 21, 22, 3 ऐसे नंबर जो एक साथ लगातार है उनको हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर्स। तो अब हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अब ये कैसे लिखिए, जैसे कि अगर मुझे लिखना था 4, 5 और 6, इनको मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैं लिख लिया 4, इसको मैं लिख सकता था 4 प्लस 1, और 6 को कैसे लिख सकता था 4 प्लस 2। ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा x प्लस 1, ये हो गया मेरा x प्लस 2। सिमिलर अगर मैंने 20, 21, 22 का लिखना है, 20, 21 और 22 का लिखना है, तो ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा 20 प्लस 1, मीन्स कि x प्लस 1, यहाँ पे है 22, तो मीन्स कि 20 प्लस 2, मीन्स कि x प्लस 2। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक एक ऐड करते रहेंगे। अब आगे हमें बोला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि अगर हम तीनों नंबर्स को ऐड कर दें, मीन्स कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों को अगर हम नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 51। तो x प्लस x 2x 2x प्लस x 3x, एक्स को 3 बार ऐड करेंगे, x प्लस x 2x 2x में x ऐड करेंगे तो 3x हो गया, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51। ये यहां प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 51 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ये 3 यहां मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 3 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर हो गए हमारे पास 16, 17 और 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर। हमें रेड एप्पल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल केस में क्या आता है, फेवरेबल केस होता है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें रेड कलर का एप्पल चाहिए, तो रेड क्या है, 1, 2, 3, 4, मीन्स कि फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केस हो जाएंगे हमारे 4। रेड यहाँ पे 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 4 रेड एप्पल्स थे तो फेवरेबल केसेस 4 हो गए, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल है हमारे पास 7, तो डिवाइड करेंगे इसको 7 के साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज अ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है,
जिसमें से एक लेंथ जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हमें 10 गिवन है, एक हमें 10 गिवन है, दूसरी पता नहीं है हमें। इसको नेम दे लेते हैं ए बी सी डी, ये होगी इसकी हाइट। हाइट हमें उसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है। ए बी जो है वो पैरेलल है हमारे पास डी सी के, और ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम उसको एक्स मान लेते हैं, और सी डी की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। साथ में हमें एरिया जो है वो गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ये एरिया है और ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 34। ये हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है, एक तो 10 है, दूसरी हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, हाइट हमें 4 गिवन है, इज इक्वल टू 34 हो गया। 2 1 2 2 2 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो उतर जाके डिवाइड हो जाएगा 34 के नीचे, ये डिवाइड हो गया। इधर हमारे पास क्या बचा, इधर बचा 10 प्लस एक्स, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ गया। ये यहाँ 10 प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 10 विच मीन्स की 7, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो दूसरी साइड कितनी है, दूसरी साइड हमें 7 सेंटीमीटर गिवन होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4। हमें बोला है कि ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस का है। हमें बोल रहे हैं कि जो कुछ मिठाइयां जो है वो बच्चों में बांटी जा रही है, अगर टोटल बच्चे 24 है मींस की मिठाइयां अगर 24 बच्चों में बांटी जाती है तो हर बच्चे को जो है वो 5-5 जो है वो पीस मिलते हैं मिठाई के। अगर बच्चों को 4 कम कर दिया जाए मींस 24 में से 4 बच्चे निकाल दिए जाएं तो हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास क्या क्या, टेबल में एक तो हमारे पास चिल्ड्रंस है, दूसरा हमारे पास स्वीट्स है। अगर तो 24 बच्चे हैं, सॉरी अगर 24 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 5-5 पीस जो है वो मिठाई के मिल रहे हैं। अगर बच्चों को 4 से कम कर दिया जाए मीन्स कि 4 बच्चे कम कर दें, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बच जाएंगे, मीन्स कि अब बच्चे कितने हो गए, अब 20 बच्चे हो गए। अब मिठाई कितनी मिलेगी वो हमें पता करना है। अब हमें ये देखना होगा कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन बन रहा है कि इनवर्स का। देखिए ये देखिए, अगर हम बच्चे ज्यादा थे तो हर बच्चे को कम मिठाई मिल रही थी, अब अगर बच्चे कम कर देंगे तो हर बच्चे को थोड़ी ज्यादा मिठाई मिलेगी। पहले बच्चे 24 बच्चों में बांट रहे थे और सिर्फ 20 में बांटनी है, मींस कि हर बच्चे को थोड़ी थोड़ी ज्यादा मिठाई मिलेगी, मींस कि बच्चों के कम होने से मिठाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो 25 × 5 इज इक्वल टू होगा 20 × x, ये यहां मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 4 20 4 1 4 6 4 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब हर बच्चे को 6 पीस जो है वो मिठाई के मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमें सोल्व करना है। एन के लिए हमें दिया है n/2 − 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू है 21 के। n/2 − 3n/4 + 5n + 6 इज इक्वल टू है 21 के। तो सबसे पहले तो इधर एलसीएम लेते हैं, 2, 4 और 6 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आ गया, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 n आ गया साथ में, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 3n हो गया, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 n,
टेन एन हो गया इज इक्वल टू 21, ये 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3n प्लस, यहाँ पे n भी है, माइनस का 3n प्लस का 10n इज इक्वल टू 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 252। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 252 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7n आ जाएगा इज इक्वल टू 252, 7 यहाँ मल्टीप्लाई उतर जाके ये सॉरी यहाँ पे 252 है, 252 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ये हो गया 7, 3 21 बचेंगे 4, 7 6 42, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो ये हमारा होगा आंसर, n इज इक्वल टू 36। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, चॉइस वाला क्वेश्चन। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? हमें बोल रहे हैं कि अगर टू डिजिट नंबर का एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का 3 times हो, मीन्स की 3 गुना हो, और अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और उसके बाद उसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 88 आएगा। हमें ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x+y। ये हो गया हमारा टू डिजिट नंबर, इंटरचेंज करने के पे क्या बनेगा, ओन इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने पे ये हो जाएगा 10y+x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला इफ वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर, मान लेते हैं कि जो x है वो हमारा 3 times ऑफ y है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि एक नंबर यानी कि x 3 times है दूसरे नंबर के। अब और सेकंड में क्या बोला, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, हमें इंटरचेंज वाला नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10x+y हमारा ओरिजिनल नंबर है, इंटरचेंज करने पे क्या बना था 10y+x, ये हमारा इंटरचेंज वाला हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 88। अब बस ऐड कर लो, एक्स 10x+x करेंगे 11x हो जाएगा, प्लस y 10y+y करेंगे तो हमारे पास 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 88। यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+y इज इक्वल टू 88, 11 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 11, ये आ गया हमारे पास 8, x+y जो है वो हमारे पास आ गया 8, x+y हमारे पास आ गया 8। और हमें क्या गिवन है, एक और स्टेटमेंट हमें जो है वो गिवन थी, x इज इक्वल टू 3y है, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 3y+y इज इक्वल टू 8, 3+1 4y इज इक्वल टू 8, 4 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8/4, तो ये आ जाएगा 2y की वैल्यू आ गई 2। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, x क्या था 3y, ये हो जाएगा 3 into 2 विच मीन्स की 6, तो हमारा नंबर क्या हो गया, नंबर था हमारा 10x+y, 10x कितना है 6 प्लस y कितना 2, इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 62, 62 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के हम ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, आप वहां पे जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूजिंग द यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ और वी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एफ की वैल्यू हमें गिवन है 20,
वी की वैल्यू हमें गिवन है 12 और ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस पे यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है एफ प्लस वी माइनस ई शुड बी इक्वल टू 2। एफ की वैल्यू हमें गिवन है 20, वी की वैल्यू हमें गिवन है 12, माइनस ई पता नहीं है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 20 में 12 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 32, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 2 माइनस करेंगे 30 आएगा, साइन बड़ी टर्म का माइनस का, इधर माइनस ही माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो इसकी ई कितनी होगी, ई होगी इसकी 30। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई स्कूल है जिसमें पहले 8 पीरियड लगते थे और हर पीरियड जो है वो 45 मिनट का था, अब हमने पीरियड जो है बढ़ा के 8 की जगह पे 9 करने हैं, लेकिन छुट्टी का टाइम जो है वो सेम रहेगा, छुट्टी का टाइम चेंज नहीं करना है, तो अब हमें बताना है कि हर पीरियड कितने मिनट का होगा। तो हम इसको, ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं एक तो हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा उसका हमारे पास टाइम है। अगर 8 पीरियड लगते थे, अगर 8 पीरियड लग रहे थे तो हर पीरियड जो था वो 45 मिनट का था, ये हमारा मिनट्स में है टाइम। अगर 9 पीरियड लगेंगे तो हर पीरियड कितने टाइम का होगा। अब अगर पीरियड बढ़ा रहे हैं और छुट्टी सेम टाइम पे करनी है तो पीरियड को छोटा करना पड़ेगा, सेम टाइप में टाइम में अगर हमें ज़्यादा पीरियड लगाने हैं तो पीरियड जो होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, तो पीरियड बढ़ेंगे तो टाइम छोटा हो जाएगा, मीन्स कि ये हमारा इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तो इनवर्स रिलेशन में जो है वो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, तो दोनों के प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंट रख दो, 9 यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, 9 1 9, 9 5 45, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। तो अब जो हर पीरियड है वो कितने मिनट का होगा, हर पीरियड जो है वो 40 मिनट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रो द लीनियर ग्राफ, हमें इनका लीनियर ग्राफ बनाना है। हमें दिया है नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, जो है वो अलग अलग दिनों में हुई हुई, जो है वो अलग अलग सालों में हुई हुई, जो है वो स्नोफॉल के बारे में जो है वो डाटा है हमारे पास, तो इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 0, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस। अब क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ईयर्स है और एक हमारे पास डेज है, तो यहां इधर हम ईयर्स ले रहे हैं और इधर हम जो है वो डेज ले लेते हैं। ईयर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, ईयर्स जो है वो 2003 से शुरू हो रहे हैं, तो हम 2003 से शुरू कर लेते हैं इसे यहां पे 2003, उसके बाद नेक्स्ट हम दो दो डिब्बे छोड़ लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारा 2004 है, यहाँ पे हमारा जो है वो 2005 बनेगा, यहाँ पे हमारा 2006 बन जाएगा, दो दो डिब्बे का गैप छोड़ा मैंने। इधर हमारे पास नंबर ऑफ डेज रख लेते हैं, यहाँ पे हम दो दो के गैप पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा, दो दो का गैप छोड़ा, 2 4 6 8 दिनों के गैप हो गया। फर्स्ट है हमारे पास 2003 में,
2003 में जो है वो 8 दिनों के लिए पड़ी थी, स्नो जो है वो 8 दिनों के लिए पड़ी थी 2003 के अंदर। तो 2003 में हमें 8 दिनों तक लगाना है। 2000 ये हो गया हमारा 2003, वाई एक्सिस में 8 डेज तक चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारा। उसके बाद 2004 में जो है वो 10 दिनों तक पड़ी है, तो 2004 में 10 तक जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2004 के लिए। 2005 में जो है वो 5 दिनों के लिए पड़ी है, 2005 में 5 दिनों के लिए बर्फ पड़ी है, तो 2005 में 5 दिन जो होंगे वो हमारे यहाँ पे रहे होंगे। ये हो गया हमारा 5th डे। उसके बाद 2006 में जो है वो 2006 में 12 दिनों के लिए पड़ी है, 2006 में 12 दिन यानी कि यहाँ पे 2006, तो ये हो गया। अब हमें क्या बनाना था, हमें इसका लीनियर ग्राफ बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा, आएंगे यहाँ पे हमारा ये आपस में मिल जाएंगे ऐसे करके। उसके बाद ये हमारे यहाँ नीचे ये हो गया इसके साथ। इसका हमारा 24 वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ। हमें स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड गिवन है और साथ में उसका पेरीमीटर गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा। तो पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, बाद में हमें ये बताना है कि वो लीनियर बन रहा है कि नहीं, मीन्स कि उसकी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस होगी। हमें जो है वो हमें दो चीजें गिवन है, एक तो हमें उसकी साइड्स गिवन है और दूसरा हमें उसकी पेरीमीटर गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इधर पेरीमीटर ले लेते हैं, जिधर मर्जी कोई भी चीज ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इधर हम उसकी साइड लेंगे। अब जो है वो साइड्स क्या है, साइड है हमारे, पहले हम पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर के लिए हम 2 2 का गैप रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 17। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमने 2 2 का गैप रख लिया। 2 2 का गैप रख के हमने जो है वो यहाँ पे 24 तक ले लिया। साइड जो है वो हमारी उसको हम 1 1 का गैप छोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। साइड के लिए हमने 1 1 का गैप छोड़ा है। उसके बाद हमें जो है, अगर साइड 2 सेंटीमीटर है, अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 8 है। साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर में हमें 8 तक जाना है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमें बोला कि अगर साइड 3 सेंटीमीटर है तो 12 है, साइड अगर 3 है तो हमें इसमें 12 तक जाना है, मीन्स कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट बना हमारा। नेक्स्ट हमें बोला कि अगर साइड 3.5 है तो ये 5 है, तो इसका सॉरी 3.5 है तो इसका जो पैरामीटर है वो 14 है, तो 3.5 मीन्स कि हमारा यहाँ पे आएगा और इसको हमने 14 के सामने तक जाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। उसके बाद हमें बोला कि अगर 5 है तो वो 20 होगा, साइड अगर 5 है तो हमें यहाँ 20 तक जाना होगा, मीन्स कि 5 और 20 20, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमें बोला कि अगर 6 है तो वो 24 है, अगर 6 है तो यहाँ 24 तक जाना है, 6 6, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये लीनियर है या नहीं है, तो इसको देख लो कि है सभी एक ही लाइन में से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो सभी एक स्ट्रेट लाइन में से निकलेंगे, तो ये ग्राफ हमारा लीनियर होगा। आंसर होगा यस, इट इज लीनियर। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन नंबर सी, 10th क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट
सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन रेनी विंटर एंड द समर। कुछ लोगों को 360 लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला गया, अलग अलग की समर 90 लोगों को पसंद है, रेनी सीजन जो है वो 120 लोगों को पसंद है और हमारा विंटर सीजन जो है वो 150 लोगों को पसंद है। विच सीजन क्वेश्चन बाद में हमें क्वेश्चन पूछे गए, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो जो विंटर है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले 150, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं विंटर को, तो इसका आंसर होगा विंटर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमें जो है वो हर पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हर सेंटर एंगल फाइंड आउट करना है हर सीजन के लिए, हर सीजन के लिए वोटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, सभी सीजन्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले समर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं सेंट्रल एंगल फॉर समर। समर के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल, जितना एंगल होता है, टोटल एंगल होता है हमारे पास 360, डिवाइड करते होते हैं हम जितना हमारे पास लोग होते हैं, जितने वोटर्स हैं, वोटर हमारे पास 360 हैं, तो 360 हो गए मल्टीप्लाइड बाय हमें समर के लिए कितनी वोट्स मिली है 90, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, एंगल बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री समर के लिए। रेनी के लिए फिर से टोटल एंगल 360 है, 360 लोगों ने वोट दिए, डिवाइडेड बाय रेनी को कितनी मिली है 120 की, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर से 120 डिग्री ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा विंटर सीजन है, विंटर के लिए भी सेम ही हो जाएगा, टोटल एंगल 360 का है, 360 लोगों ने वोट डाली है और विंटर के लिए 150 लोगों ने वोट दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 150 जो है वो विंटर का सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका, हमें सबका जो सेंट्रल एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, हमें पाई चार्ट बनानी है इसका, पाई चार्ट बना लेते हैं, सर्कल बना लो सबसे पहले, तो इसमें 90 डिग्री वो जो है वो हमारा ये 90 डिग्री का हो गया, ये हमें जो है वो समर्स के लिए है। उसके बाद हमारा 120 जो है वो हमारा, सपोज ये हमारा हो गया 120 का, ये हो गया 120 का, ये हमारा है रेनी के लिए, रेनी सीजन के लिए, और ये हो गया हमारा 150 का जो कि हमारा हो गया विंटर का, ये हमारा हो गया पाई चार्ट।